दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि हाल फिलहाल में हम लोगों ने आपको ये खबर बताई थी कि भैया बॉलीवुड के किंग खान जैसे ही अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि पठान का काम कंप्लीट कर लेंगे, वो उसके बाद ही जुड़ जाएंगे राजकुमार हिरानी की आने वाली अगली फिल्म के साथ। लेकिन इससे पहले कि राजकुमार हिरानी अपनी इस फिल्म का काम शुरू कर दे कि भाई ये खबर कहां से निकल के आ गई कि भैया राजकुमार हिरानी तो बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय के साथ में एक फिल्म बनाने वाले हैं। तो दोस्तों क्या राजकुमार हिरानी पहले किंग खान के फिल्म का काम शुरू करेंगे या फिर चॉकलेटी बॉय का? तो दोस्तों क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान से और उसके साथ बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय यानी कि रणबीर कपूर से। तो दोस्तों आज बॉलीवुड से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भाई बहुत जल्दी ही राजकुमार हिरानी भैया रणबीर कपूर के साथ एक फिल्म का काम शुरू करने वाले हैं। लेकिन भाई ये कैसे हो सकता है, क्योंकि भैया अभी तो खबरों का बाजार इस बात को लेकर गर्म है कि भैया इन दिनों तो राजकुमार हिरानी किंग खान के साथ एक फिल्म को बनाने वाले हैं और वो इन दिनों इस फिल्म के स्क्रिप्ट में काफी मशगूल है। यानी कि खबरें निकल के आ रही है कि राजकुमार हिरानी ने किंग खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म का आधा पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है और वो इन दिनों यानी कि भैया स्क्रिप्ट वाला आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया है और वो अभी हाफ टाइम की कहानी पर वर्क करे, यानी कि भैया इंटरवेल के बाद की जो कहानी है फिल्म की उस पर वो वर्क करे। तो भैया ये खबर कहाँ से निकल के आ रही है कि वो रणबीर कपूर के साथ भी एक फिल्म बनाने वाले हैं? तो चलिए मैं आपको ये बात क्लियर करता हूँ। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि राजकुमार हिरानी ने आमिर खान के साथ एक फिल्म बनाई थी। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ पीके की। और भाई जब पीके का क्लाइमेक्स हम लोगों के सामने आता है तो हम देखते हैं जब भैया उरन तस्तरी अंतरिक्ष से आकर जमीन पर उतरती है तो उसमें से बाहर आते हैं कौन? तो भैया रणबीर कपूर। और उसी वक्त से ये बात कही जाने लगी थी कि भैया पीके का जो अगला सिक्वल आएगा उसमें रणबीर कपूर नजर आएंगे। यानी कि भैया सिक्वल को लेकर ये कहानी लगातार पीके के आने के बाद से ही बॉलीवुड में घूमती रही लेकिन पीके का सिक्वल नहीं आया। तो क्या वाकई में पीके का सीक्वल लेकर आने वाले हैं राजकुमार हिरानी? तो दोस्तों इसको लेकर राजकुमार हिरानी ने यह बात साफ कर दी है कि भाई वो पीके की कहानी को नहीं लेकर आ रहे हैं सीक्वल के माध्यम से। यानी कि भैया उन्होंने एक फ्रेश स्टोरी लिखी है, एक नई कहानी लिखी है रणबीर कपूर को ध्यान में रखकर, जिसको लेकर उन्होंने उसके साथ में चर्चा भी की है और रणबीर कपूर को इस फिल्म की कहानी भी पसंद आई है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है कि भैया जब राजकुमार हिरानी रणबीर कपूर के साथ में संजू मूवी कर रहे थे तो उसी वक्त उनके दिमाग में एक आइडिया आया था कि भैया वो एक लव स्टोरी बना सकते हैं रणबीर कपूर के साथ में, और उन्होंने अपना आइडिया भी शेयर किया था रणबीर कपूर को और वो आइडिया रणबीर कपूर को काफी पसंद भी आया था। तो दोस्तों उसी फिल्म को लेकर ये जानकारी निकल के आ रही है कि भाई जैसे ही राजकुमार हिरानी किंग खान की आने वाली फिल्म का काम कंप्लीट करेंगे उसके बाद वो एक बार फिर से भैया जुड़ जाएंगे किसके साथ? तो भाई रणबीर कपूर के साथ। यानी कि भैया उनकी आने वाली अगली फिल्म में अब एंट्री होने जा रही है रणबीर कपूर की। यानी कि भैया एक बार फिर से 300 का आंकड़ा पार करना चाहते हैं बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर के साथ फिर राजकुमार हिरानी। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भाई अभी तक तो किंग खान की आने वाली फिल्म का काम नहीं पूरा हुआ है कि भैया एक और नई फिल्म की जानकारी निकल के आ गई है बॉलीवुड से कि भाई ये फिल्म राजकुमार हिरानी डायरेक्ट करने वाले हैं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्ण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।